नमस्कार, मैं पल्लवी वर्मा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता भारत के वर्तमान स्थिति पर है, जहाँ लड़कियाँ बहुत ही असुरक्षित हैं। और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। मैं इस कविता के माध्यम से कोशिश करूँगी समाज की विचारधारा को बदलने की। मेरी कविता का शीर्षक है विचारधारा। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। नमस्ते, नमस्कार, हेलो एवरीवन, नमस्कार, ग्रीटिंग। बस अब नहीं सहूंगी, घायल हूँ, कमजोर नहीं, अब हीरनी नहीं शेरनी हूँ मैं। टूट चुकी हूँ पर जान अब भी बाकी है, बिखर चुकी हूँ पर अरमान अब भी बाकी है। कब तक, आखिर कब तक यह समाज यह नजारे देखता रहेगा? सब कुछ हो जाने के बाद कैंडल मार्च करेगा, सड़कों पे उतरेगा, प्रोटेस्ट करेगा, कानून को बदलेगा। पर रुको, कानून से पहले खुद की विचारधारा तो बदलो। लड़का है, जिद्दी है, डरता नहीं है किसी से। इस सोच को बदलकर अब जरूरत है हर माँ को अपने बेटे को समझाने की। लड़का है, डराना नहीं किसी को। मर्द है, लड़कियों की इज्जत करना तेरा फर्ज है। अब सिर्फ लड़कियों पर नहीं लड़कों पर पाबंदी करो। लड़कों की अय्याशिया और गुंडागर्दी बंद करो। क्यों मंत्री जी, सिर्फ आपका बेटा राजा है क्या? वो बेटी भी तो किसी की रानी थी। उस दिन सिर्फ वो नहीं, आपके बेटे की इंसानियत भी मरी थी। कहां से लाते हो इतनी हैवानियत? कहां से लाते हो इतनी गंदी सोच? लगता है आपके परवरिश में ही है खोट। तमाचा मुझ पर नहीं पड़ा है आपके परवरिश पर, सवाल मुझ पर नहीं उठा है आपके परवरिश पर। अब हर लड़की को दबकर नहीं जमकर लड़ना है। अब लड़की को नहीं लड़कों को बदलना है। अब बेटी को नहीं समाज की विचारधारा को बदलना है। अब बेटी को नहीं समाज की विचारधारा को बदलना है। धन्यवाद। Hi there. Thank you for watching the video. I hope you liked it. If you did, please hit the like button and share the video with your family and friends. At the end, don't forget to subscribe the channel, please. If you did not like it, please let us know what we could improve upon in the comment section. Remember that we have a responsibility to take care of our children, to help and motivate them to write, think and perform better poetry. Having that in mind, this Children's Day we are bringing to you a collection of 5 special poetry performances in our Kavita Bol Specials episode. So stay tuned for that and do watch it. We'll see you in the next video. Until then, stay safe and keep loving Kavita Bol. Thank you.